ඔන්න රෝෂල් කියන්නේ ඩම්චේ शांति सर्व जीवानंद्रम सर्व जनानंद्रम सर्व अभ्यानंद्रम सर्व कोकलानंद्रम सर्व राजानंद्रम सर्व ग्राम नगर के सभानंद्रम सर्वानंद्रम यशतंत्र लोकेशु व्याधि विश्ववर्जितम अभ्यं क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलोद्धनानि सदा सन्तु वृद्धिं समुद्रं प्रसरणे स्फुरितं चीक्षुतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं पितृजगतां उत्तमः शान्तिधारा Thank you.
सभी को जय जिनेन। आप श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन बाजार मंदिर सराफा बाजार में है। ये मंदिर आपको बता दें कि लगभग 800 वर्ष प्राचीन भगवान शांतिनाथ की पाषाण की पद्मासन मूल लायक प्रतिमा है और बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। यहाँ पर दस्तक्षण पर्व के अवसर पर पूरे उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। सुबह 6:30 बजे मुनिषी का आगमन होता है, उनके प्रवचनों के पश्चात मंगलाष्टक और अभिषेक शांतिधारा का आयोजन होता है। तत्पश्चात विभिन्न साधर्मी मूल नायक भगवान के समक्ष और अन्य प्रतिमाओं के समक्ष यहाँ विधान करते हैं। दोपहर को और शाम को यहाँ विभिन्न अन्य क्लास होती हैं और सायंकाल 7 बजे से यहाँ मूल नायक शांतिनाथ भगवान के समक्ष आरती होती है। 48 दीपकों से भक्तांबर जी का विधान पढ़ा जाता है, पाठ किया जाता है और तत्पश्चात भक्ति के बाद प्रवचन होते हैं और प्रवचन के पश्चात यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। यहाँ के सभी कार्यक्रमों के दौरान सभी साधारण जन पूरे उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और इस विशुद्धि के पर्व को पूरे उत्साह के साथ और विशुद्धि के साथ मनाते हैं। धन्यवाद। सौभाग्यशाली हैं कि आज हम पर्वराज परमेश्वर महापर्व आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य समय सागर जी महाराज के चिर आशीर्वाद से पूज्य निर्दोष सागर जी, पूज्य निर्लोप सागर जी, पूज्य निरुपम सागर जी महाराज के परम सानिध्य में उनके अमृत वर्षा योग के क्रम में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पर्वराज परमेश्वर महापर्व अनादि निधन पर्व है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस पर्व को हम महाराज श्री के परम सानिध्य में मना रहे हैं। वैसे तो पर्वराज परमेश्वर पर्व में शिविर लगना चाहिए, लेकिन वास्तव में शिविर क्या कहें, ये चतुर्मास हालांकि शिविर नहीं लग रहा, लेकिन जो चतुर्मास हो रहा है वह शिविर से कम भी नहीं लग रहा, इसलिए कि 10-10 कक्षाएं इस चतुर्मास के क्रम में लग रही हैं। प्रातः सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम को 7:30 बजे तक कक्षाएं लगती हैं। पर्वराज परमेश्वर के दिनों में 5:30 बजे से ध्यान कराया जाता है। ध्यान के माध्यम से 6:15 बजे तक ध्यान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। 6:15 बजे से और 7:30 बजे तक हम प्रभु का अभिषेक शांति धारा एवं सभी मार्जन आदि का कार्य करने के उपरांत 7:30 बजे से 9:45 बजे तक सामूहिक पूजन के माध्यम से पुण्यलाभ अर्जित करते हैं और 9 बजे से आचार्य महाराज की पूजन के बाद हम पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज के मुखारविंद से उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कल हमने उत्तम क्षमा धर्म पर सुना था, आज हम उत्तम मार्दव धर्म के बारे में सुनेंगे। दोपहर में 2:30 बजे से तत्वार सूत्र जी की ग्रंथ के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। सरस्वती पूजन के माध्यम से 11 श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य जो प्राप्त करता है, 1100 रुपये की मात्र राशि रखी है ताकि सभी लोग इससे जुड़ जाएं। सरस्वती पूजन के उपरांत में तत्वार सूत्र जी का वाचन हमारे छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा किया जाता है। पूज्य महाराज श्री तत्वार सूत्र का अर्थ सहित पूरा वाचन करते हैं, अर्थ बताते हैं। इसके बाद 7 बजे से आरती होती है और 8 बजे से 9 बजे तक वचनिका होती है, जो हमारे गुना की बहनों भाइयों द्वारा वचनिका का कार्य होता है और 9 बजे से 11 बजे तक गुना नगर की सभी सेवा भावी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस बार ऐसा लग रहा है सभी मंदिरों में धर्म की प्रभावना हो रही है, लेकिन विशेषकर बड़े मंदिर में जहाँ महाराज श्री विराजमान है वहाँ ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक दिन दिवाली जैसा माहौल लग रहा है। मैं गुना नगर की समस्त धर्म सेवी बंधुओं से अनुरोध करता हूँ
कि कृपया किसी ना किसी रूप में मंदिरों में पहुँच करके धर्म आराधन करें और पूज्य मुनि श्री जी के अमृत वचन सुनकर अपने मनुष्य जन को सार्थक बनाएं, ऐसी हमारी भावना है। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत साधुवाद जो इस कार्य को कर रहे हैं, एवं इस चैनल के माध्यम से भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो इस प्रसारण के माध्यम से सबको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आज हम सब यहाँ दशलक्षण धर्म का दूसरा मार्दव दिन मनाने जा रहे हैं। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज जी, निर्लोभ सागर जी, निर्गुण सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हमारे मंदिर में दसों दिन विशेष कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिदिन 108 श्रावक श्रेष्ठी यहाँ पर शांति मुख्य शांति धारा करते हैं और हम सब हर दिन कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ पर मूल नायक भगवान का स्वर्ण झारी से शांति धारा और अभिषेक होगी। आप सब सादर आमंत्रित हैं और आप उस दिन अपना मंगल भाव बनाकर इस मंदिर में जरूर पधारें। और इसके साथ ही हमारे श्रेयांश भाई हमारी नई योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। जगन्नाथ पूज्य भगवान की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समस्त गुना श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। महानुभाव ये विद्यासागर नगर में गुना नगर के बाल ब्रह्मचारी प्रथम तीर्थंकर श्री वासुपूज भगवान का दरबार यहाँ बहुत भव्यता के साथ सुसज्जित है। नवीन निर्माण कार्य में यह वासुपूज जिनाले पर म्याना परिवार द्वारा रजतमयी वेदी जिसका वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम नवम्बर माह में आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की कृपा से त्रय मुनि राजो की सन्निधि में यहाँ संपन्न होने की पूर्ण संभावना है। गुना नगर का एक एक श्रावक श्राविका इस वासुपूज जिनाले की भक्ति से जुड़ा है। मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से इन 10 धर्मों के में आप इस वासुपूज जिनाले पर आकर तीन लोग के नाथ की आप आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, गुना नगर के इतिहास में 108 परिवार विद्यासागर नगर के वह प्रतिदिन पूज गुरुदेव की सन्निधि में आचार्य परमेश्वरी की स्वास्थ्य लाभ की भावना के साथ एवं अपनों कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रतिदिन 108 परिवार यहाँ पर शांति धारा पूज गुरुदेव के मुख से यहाँ पर वाचन होता है शांति धारा का। इसके बाद सुबह 6 बजे 6:30 बजे से मंगलाष्टक प्रारंभ होता है। इसके बाद गुरु का आगमन होता है, पूज गुरुदेव के मुख से व्रत शांति धारा होती है, वचनिका होती है, संगीत में पूजन होती है, शाम को महासंगीत में आरती होती है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मेरा आग्रह है आप सभी लोग पधारकर इस वासुपूज जिनाले पर अपनी भक्ति के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करने में पूर्ण सहभागी बने। जय बोलो वासुपूज भगवान की जय।